Hello kids, today we are going to do a new story. Okay, this is for your senior KG class from next book 2, page 72. Right, the name of the story is The Miller, His Son and the Donkey. This story has already been taught to you by the teacher. I am going to do only the reading aspects. And from now onwards, I will be speaking and interacting more with you in English. Okay, this form of a story is known as a comic story or a graphic story. Okay, इसको comic story या graphic story बोलते हैं, क्योंकि जैसे comic की किताबें रहती है जिसमें चित्र होते हैं और dialogues होते हैं, तो उसी प्रकार से ये story बनाई गई है या चित्रित की गई है. Okay, ये वाली जो कहानी है ये बहुत पुरानी लोक गाथा है. It is called a folk story, जो हमारे दादा दादी हमारे मम्मी पापा को बताते थे, फिर मम्मी पापा ने आपको बताई. इस तरह कई सालों से ये लोक गाथा चलती आ रही है. ओके, स्टोरी द स्टोरी इज अबाउट द मिलर. मिलर यानि वो पर्सन जो गिरनी चलाता है, यानि आटा चक्की चलाता है. द मिलर हिज सन एंड द डोंकी. मिलर उसका बेटा और एक गधे की कहानी है. गधा कैसे आवाज करता है आपको पता है ना? बताओ, आजकल तो गधे दिखते ही नहीं शहर में, राइट? तो आवाज कैसे करता है? ही हाँ, ही हाँ. रेडी? ओके, हियर गो, हियर वी गो. आ डोंकी हैज बिकम ओल्ड, वी विल गो to the market and sell it. Yes, Daddy. Next morning, they started early for the market. They met a man on the road. Okay? तो एक बार क्या हुआ? ये जो मिलर था ना, मिलर यानि कि गिरनी वाला, उन्होंने सोचा कि उनका एक पालतू गधा था. दे हैड अ पेट डोंकी. वो बूढ़ा हो गया है. तो मिलर यानी कि गिरनी वाला आटा चक्की वाला अपने बेटे को बोलता है कि बेटा, हमारा डोंकी तो बूढ़ा हो गया है, चलो इसको मार्केट में बेच कर आते हैं. ओके, तो बेटा बोलता है यस डैडी. अगले दिन सुबह वो जल्दी ही उठकर मार्केट के लिए निकले. क्या करने? गधा बेचने. नेक्स्ट मॉर्निंग दे स्टार्टेड अर्ली फॉर द मार्केट. दे मेट अ मैन ऑन द रोड. जब वो मार्केट की तरफ जा रहे थे तो उनको एक इंसान रोड पे मिलता है, एक आदमी मिलता है. फिर क्या हुआ? लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज, पेज 73. So the man says, why are you walking when you have a donkey with you? You can ride the donkey. आदमी बोलता है कि आपके पास तो एक गधा है, तो आप पैदल क्यों चल रहे हो? आप आराम से गधे के ऊपर बैठकर जा सकते हो. तो मिलर बोलता है okay, that's fine. He is right, son. You sit on the donkey and I will walk. तो जो मिलर है वो अपने बेटे को बोलता है, बेटे तुम छोटे हो, तुम थक जाओगे, तो तुम गधे के ऊपर बैठ जाओ और मैं आपके साथ साथ चलता हूँ. ठीक है? तो फिर बेटे ने अपने पापा की बात सुनी और देखो यहाँ पे वो गधे के ऊपर बैठ के दोनों लोग मार्केट की तरफ चलने लगे. दोनों मतलब कौन? द मिलर एंड हिज सन. आफ्टर सम टाइम दे हर्ड टू ओल्ड मेन टॉकिंग टू ईच अदर. थोड़ा आगे जाने के बाद उन्होंने देखा कि दो लोग आपस में बात कर रहे थे. इन दो लोगों ने मिलर और उसके बेटे को देखा. बेटा गधे के ऊपर बैठा था और मिलर बाजू में वॉकिंग कर रहा था. अब ये देखो, वो जो बोलते हैं ना, तो ऐसे बॉक्स में इनका डायलॉग है.
डायलॉग मतलब जो वो बोलते हैं, और इस तरफ अगर एरो जाता है मतलब इस व्यक्ति ने वो डायलॉग बोला है, इस तरफ अगर एरो जाता है तो मतलब इस व्यक्ति ने वो डायलॉग बोला है. लुक द यंग मैन राइड्स व्हाइल द ओल्ड मैन वॉक्स, नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स. तो ये इंसान क्या बोलता है, ये व्यक्ति बोलते हैं देखो 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 ये तो इतना यंग ताकतवर गरम खून वाला बच्चा है, फिर भी वो गधे के ऊपर आराम से चल रहा है, और उसके पापा जो वो थोड़े बूढ़े हैं वो पैदल चल रहे हैं. और ये दूसरा इंसान बोलता है ये देखो आजकल के बच्चों को अपने बड़ों की कदर ही नहीं है, उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उनको बड़ों का सम्मान करना नहीं आता, नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स. जब मिलर ने ये बात सुनी उनके कान पे पड़ी तो वो तो कुछ नहीं बोले, लेकिन बेटे को बुरा लगा. बेटा बोला सही तो है पापा, मैं तो यंग हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं पैदल चलता हूँ और आप गधे के ऊपर बैठो. देखो गधा कितना कंफ्यूज दिख रहा है, राइट? हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं और वो दोनों भी कंफ्यूज हो रहे हैं. डैडी यू राइड द डोंकी, आई विल वॉक. ओके सन, पिताजी कहते ठीक है. ओके चलो क्या होता है आगे, लेट्स टर्न द पेज. ओहो आगे उनको ये कौन है, देखो बहुत सारी औरतें मिलती है, गांव की औरतें जो पानी भरकर कहीं जा रही थी. ओके क्या बोलती है देखो, अब तो आपके समझ में आ गया कि हर एक अपना अपना आइडिया दे रहा है और ज्ञान बांट रहा है दोनों को, राइट? दे मेट थ्री लेडीज ऑन द वे टू द मार्केट. व्हाट काइंड ऑफ अ फादर आर यू, यू राइड द डोंकी व्हेन योर पुअर सन वॉक्स. क्या कहती हैं तीनों औरतें, कैसे पिताजी हो आप आराम से गधे के ऊपर बैठे हो और आपका छोटा सा बच्चा पैदल चल रहा है, वो तो थक जाएगा. अब ये सारी मम्मियां हैं ना तो उनका ध्यान तो बच्चे के ऊपर ही जाएगा. तो फिर अभी ये दोनों बिल्कुल फिर से सोच में पड़ गए. व्हाट काइंड ऑफ अ फादर आर यू, यू राइड द डोंकी व्हेन योर पुअर सन वॉक्स. हो गया ना कंफ्यूजन. फिर से अभी उन्होंने अपना डिसीजन चेंज किया. कम सन, बोथ ऑफ अस विल राइड इट. तो मिलर को एक आइडिया आई, वो क्या कहता है, चलो हम दोनों ही गधे के ऊपर बैठ जाते हैं तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, राइट? अब देखो वो औरतें तो चली गई पर ये दोनों गधे पे बैठ गए. कम सन, बोथ ऑफ अस विल राइड इट. अब पता है आगे क्या हुआ, और भी कंफ्यूजन. आगे जाके उनको एक बूढ़ा इंसान और एक जवान इंसान मिला. देखो तो वो क्या कहते हैं, सुनो सुनो सुनो. ओ सी द पुअर डोंकी इज कैरिंग टू पीपल, दो लोगों को उठा रहा है डोंकी. यू आर टू एंड इट इज वन, व्हाई डोंट यू कैरी इट. ये इंसान तो और भी अच्छी आइडिया बोलता है. पहले ये जो अंकल थे बूढ़े अंकल वो बोलते हैं ओ बाप रे ये बेचारा गधा देखो कितना थक गया है, क्योंकि आप दोनों तगड़े लोग उसके ऊपर बैठे हैं और ये गधा इसकी तो पीठ टूट जाएगी, कैसे लोग हैं आप. ओ सी द पुअर डोंकी इज कैरिंग टू पीपल, वो पिताजी को भी और बच्चे को भी उठा रहा है. तो फिर ये तो सबसे ज्यादा होशियार इंसान लगता है, बोले आप लोग तो दो हो और ये गधा तो एक है, एक आइडिया देता हूँ आप दोनों ही इसको उठा लो, क्योंकि गधा बहुत थक गया है, दिख रहा है ना आपको, उसको पसीने पसीने आ रहे हैं. फिर क्या होता है, सो अब हमने पेज 74 पढ़ लिया. नाउ वी विल गो टू पेज 75. ऑब्वियसली दोनों फिर से सोचने लगते हैं, मिलर एंड हिज सन, दे स्टार्ट थिंकिंग, सोचने लगते हैं. द मैन इज राइट,
Let us tie its legs and carry it. Okay, daddy. तो मिलर बोलता है बराबर बोला इस इंसान ने. हम क्या करते हैं, हम गधे के पैर बांध लेते हैं और उसको उठा लेते हैं. तो बेटा भी बोलता है ओके डैडी. अब देखो ये मजेदार सीन, मुझे तो बहुत हंसी आ रही है, आपको भी आ रही है ना. ये देखो गांव वाले भी हंस रहे. एंड व्हेन दे रीच द मार्केट, हा 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 हा, व्हाट अ फनी साइट, कैरिंग अ डोंकी इंस्टेड ऑफ राइडिंग इट, हा हा हा. देखो लोग क्या कर रहे हैं, हंस रहे और सब अपने अपने बातें बोल रहे हैं. सब लोग अपनी अपनी बातें बोल रहे हैं. आप भी हंसोगे ना अगर आप मार्केट में ऐसा सीन देखते हैं कि दो लोग यानी एक हट्टा कुट्टा पापा और उसका बेटा एक गधे को पैर से बांधकर इस तरह लकड़ी पर लेके जा रहे हैं. आपको भी हंसी आएगी. वो क्या बोलते हैं, एक ये लोग हंस रहे हैं, हा 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 हा, What a funny sight, कितना मजेदार दृश्य है. Carrying a donkey instead of riding it, हा हा हा, यानी गधे को उठा रहे हैं. एक्चुअली गधे के ऊपर तो चढ़ के जाना चाहिए. तो आपके समझ में आया कितनी गड़बड़ हो रही है. फिर से देखते हैं. जब दोनों डोंकी को बेचने मार्केट में निकले बराबर, तो एक इंसान क्या बोला, पहला इंसान क्या बोला, अरे आप दोनों चल रहे हैं ऐसे क्यों, डोंकी तो आराम से एक जन को उठा सकता है. तो पहले कौन बैठ गया डोंकी के ऊपर, मिलर का बेटा. फिर आगे जाने पे दो इंसानों ने क्या बोला, देखो देखो इतना यंग हट्टा कट्टा लड़का गधे पे बैठा है पर पापा को चलवा रहा है. तो फिर बेटा बोलता है ठीक है डैडी आप बैठ जाओ मैं चलता हूँ. तो डैडी बैठ गए और बेटा चलने लगा. तो फिर से ये गांव की तीन औरतें क्या बोली कि देखो देखो कैसा पिताजी है, वो चल रहा है और बच्चे वो बैठा है गधे पे आराम से और छोटे से प्यारे से बच्चे को चलवा रहा है. ये हो गया तीसरा सिचुएशन. तो फिर दोनों ने क्या आइडिया लगाया कि दोनों बैठ जाएंगे. जब दोनों बैठे फिर से ये दो इंसान उनको चिढ़ाने लगे, बोले कैसे लोग हैं, गधा इतना प्यारा सा छोटा सा एनिमल है कितना थक गया है और आप दोनों का बोझ उठाकर उसकी पीठ टूट जाएगी. फिर से वो सोचने लगते, बोलते अच्छा ये भी सही है, सब लोग सही कह रहे हैं, तो ऐसा करते हैं कि गधे को हम ही उठा लेते हैं. तो उन्होंने गधे को उठा लिया और तो फिर मार्केट पहुंच गए. तो सारे मार्केट में जितने भी लोग थे सब हंसने लगे. लेट्स सी व्हाट हैपेंस, लेट्स टर्न टू पेज 76. अब कुछ तो गड़बड़ होनी थी. ओ नो, द नॉइज हैज स्केयर्ड द डोंकी, इट इज रनिंग अवे. आवाज से गधा इतना घबरा गया कि वो छटपटाने लगा और रस्सी टूट गई और वो वहां से भाग गया. सही, ना किसी वो गधा किसी के हाथ में भी नहीं आया. मतलब आखिर में समझ में आया ना आपको, उनका गधा तो गुम गया. तो वो जो बेचने के लिए गधा निकले थे कि कुछ पैसे कमाएंगे और घर में कुछ दाना पानी आएगा, वो गधा उनके हाथ से छूट गया. आखिर में उनको समझ में आया कि क्या गड़बड़ हुई. देखे तो क्या बोलते हैं पापा मिलर, पापा क्या बोलते हैं मिलर डैडी, वी गेव टू मच इम्पोर्टेंस टू व्हाट पीपल सेड एंड सी वी हैव लॉस्ट आवर डोंकी. Yes, Daddy, we should not blindly follow what others say. उनके समझ में आया कि हमने सबकी बात सुनी, सब लोगों की बात सुनी और उसकी वजह से आज हमारा गधा हमारे हाथ से छूट गया. बच्चे को भी समझ में आता है, वो भी बोलता है Yes, Daddy, I have understood. तो मिलर बोलता है We should not blindly follow what others say. यानी आपको क्या सीख मिलती है कि हमें लोगों की बातें अंधाधुंध विश्वास करके सुननी नहीं चाहिए, हमें सब बातों को एक बार चेक करना चाहिए. तो आपको पता है ये कहानी हमें क्या सिखाती है, बहुत अच्छा मॉरल सिखाती है. मैं आपको दिखाऊंगी. मॉरल ऑफ द स्टोरी,
moral of the story, the miller, his son and the donkey is, try to please everyone and you will please no one. अगर हम सबको खुश करने की कोशिश करते हैं तो हम किसी को भी खुश नहीं कर पाते. इसीलिए हमेशा अपना खुद का दिमाग यूज करना चाहिए और जो सही है वही करना चाहिए. अगर आप सबको खुश करने के लिए जाएंगे तो नुकसान आपका ही होगा और कोई भी खुश नहीं होगा. राइट, सो डिड यू एंजॉय द स्टोरी? अब जैसे मैंने रीडिंग की है वैसे ही आपको भी इसकी रीडिंग करनी है. इस टाइप की स्टोरी को क्या बोलते हैं? कॉमिक स्टोरी. और स्टोरी का क्या नाम है? चलो सोचो सोचो. द मिलर, हिज सन एंड द डोंकी. एंजॉय रीडिंग एंड लिसनिंग टू इट. बाय.